आज हम बनाएंगे फ्रूट डिलाइट, जिसकी रेसिपी निहायत ही ईजी और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा। इसमें हमें सिर्फ चंद एक चीज़ें चाहिए, जिसमें हैं कैंडी बिस्किट्स चाहिए हमें, एप्पल्स चाहिए, बनानास चाहिए, आप फ्रूट केक ले लें, एंड वनीला कस्टर्ड आपने लेना है। वनीला कस्टर्ड उसी तरह बनाना है जैसे नॉर्मली बनाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक्स की लेयर लगाएंगे, उनको हम स्मॉल स्मॉल पीसीस में कट करके उसकी फर्स्ट लेयर बना लेंगे। देन उसके बाद हमें बनानास छोटे छोटे चॉप करने हैं, उनको चॉप करके हम उनकी सेकेंड लेयर बना देंगे। सॉरी, सेकेंड लेयर वॉज अबाउट द कैंडी बिस्किट। अब हम बनानास चॉप करेंगे। सेकेंड लेयर में हम कैंडी बिस्किट डालें, लेकिन आपका जो मन करे आप लेयर्स की वैसी ही सीक्वेंसिंग रख सकते हैं। मीनवाइल मैंने अपना कस्टर्ड भी रेडी कर लिया है और हमने बनाना की लेयर डाल ली। अब हम चलते हैं फोर्थ लेयर की तरफ। फोर्थ लेयर में हमने डाले हैं फ्रेश फ्रेश एप्पल स्नैक्स। दिस वाज द बनानास लेयर। हम डालने लगे हैं एप्पल्स, इनको हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे या साइज़ जैसे आपको पसंद हो। मैंने तो इनको बहुत स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम लिटिल बिट कैंडी बिस्किट्स ऊपर उनका पाउडर मोर डालेंगे। आप कैंडी बिस्किट को क्रश कर लें जिस तरह के साइज़ में आपको चाहिए। फिर हम अपना बना हुआ कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे सारा, ऐसे कि नीचे तक कस्टर्ड पहुंच जाए। अब हम इसको प्यारा सा गार्निश कर लेंगे इसके ऊपर, जैसे भी आपको गार्निशिंग का दिल करे। मैंने तो कैंडी बिस्किट और बनाना पीसेस से इसको गार्निश किया है। लेकिन ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर आप पाउडर कैंडी बिस्किट अगर आपके ऊपर पास बचे हुए हों आप और डाल लें, और केक को भी ऊपर जिस तरह चाहें गार्निश कर सकते हैं। जब इसको आप चिल करके खाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब आप इसको गार्निश करने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और इसको घंटे दो घंटे के बाद ट्राई कीजिए, और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।